नमस्कार, मैं अमन कुमार, कोऑर्डिनेटर मोबाइल साइंस लेबोरेटरी। रूट प्लान के तहत मोबाइल साइंस लैब आप पहुंची है गवर्नमेंट हाई स्कूल सलार हेडी में, जो कि अम्बाला ज़िले में पड़ता है। लैब के द्वारा आज यहां पर हैंड्स ऑन एक्टिविटी का प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें बच्चों ने अपने हाथों से प्रयोग को करके देखा और विज्ञान के कुछ बेसिक सिद्धांत को समझा। हमारे साथ स्कूल के DDO राजीव शर्मा जी मौजूद हैं। हम सर से जानना चाहेंगे, सर आज आपके स्कूल में जो ये विज्ञान बस आई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, ये बच्चों के लिए कितने लाभदायक है? आज विद्यालय में मोबाइल साइंस जो वैन आई है लेबोरेटरी की, ये बहुत अच्छा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेंट किया है और जो टीम आई थी उसने बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है और बच्चे इससे बहुत प्रभावित भी हुए हैं। और जो ये कार्य हुआ 2 सेशन में हुआ है, मॉर्निंग में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बताया गया, प्रैक्टिकल वगैरह जो करवाए गए हैं बच्चों को, और 2 सेशन में जो है मैथ और फिजिक्स का कार्य हुआ है, और इसमें ऑडियो विजुअल एड्स द्वारा भी बच्चों को बहुत काफ़ी काम करवाया गया है। और मैं समझता हूँ कि बच्चे इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं और मैंने बच्चों से बात भी की है, बच्चों में काफ़ी जोश है और काफ़ी इससे प्रभावित हैं, और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्य बार बार होने चाहिए ताकि बच्चों को साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, आगे जो बच्चे मैट्रिक के बाद उनको प्लस वन में जाना है, प्लस टू में जाना है, वो पहले से साइंस के बारे में तैयार रहें। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगा। देखिए, सर का कहना भी यही है कि अगर इस तरह की मोबाइल विज्ञान बस समय समय पर स्कूल में आती रहे तो जो बच्चों का रुझान है वो विज्ञान विषय की तरफ ज़्यादा रहे। आइए, इसी बीच हमारे साथ साइंस के अध्यापक श्रीमती मंजीत कौर भी मौजूद है, जिन्होंने आज ये पूरा प्रोग्राम ऑब्जर्व किया। हम मैडम से जानना चाहेंगे, मैडम आज आपने पूरा प्रोग्राम मोबाइल साइंस क्लब का देखा, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं हमारे अपने गवर्नमेंट हाई स्कूल सलार हेडी में जी ये प्रोग्राम मोबाइल के जरिए आपने करवाया, आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह बीच बीच में आओ और बच्चों को अपना इंस्पिरेशन दो। इससे बच्चों ने बहुत कुछ अच्छा सीखा। प्रैक्टिकली वर्क हम भी कराते हैं, लेकिन आपके द्वारा कराया गया बच्चों ने काफ़ी एंटरटेनमेंट से एंजॉयफुल होकर इस कार्य को बड़ा सीखा, और 2 पार्टों में जो आप लोगों ने ये काम कराया, बच्चों ने बड़े तन मन धन से इस बार काम को पूरा ऑब्जर्व किया। जी मैम, जैसे हमने देखा मैम, आप सुबह से बच्चों को बीच बीच में मोटिवेट भी कर रहे थे और आपने ये प्रोग्राम पूरा सुबह से शाम दोपहर तक ऑब्जर्व भी किया, तो क्या मैम जो ये एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करवाई गई है, क्या वो सभी एक्टिविटीज इनके पाठ्यक्रम से थी? बिल्कुल, पहले भी मैंने भी करवा रखी हैं अपने साइंस से रिलेटेड, उसमें जब आप लोगों ने इनको दोबारा करवाया तो बच्चों को कुछ ज़्यादा अच्छा, मतलब और ज़्यादा सीखने को मिला, और इससे बच्चे बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं और जॉयफुल होकर उन्होंने इस एक्टिविटी में बहुत पार्टिसिपेट, और सारा सिलेबस जो है सिलेबस से रिलेटेड ही था मटीरियल। इसी बीच स्कूल के बच्चे भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज ये पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, ऑब्जर्व किया और अपने हाथों से प्रयोग को करके देखा। आइए, हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए और क्या सीखा। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जानशा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में जंतर मंतर साइंस की वैन आई है और उन्होंने हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल और टॉपिक्स के बारे में बताया है। प्रैक्टिकल में हमें मैग्नीशियम का एक प्रैक्टिकल करवाया है और pH का एक प्रैक्टिकल करवाया है। मैं चाहती हूँ कि बस हमारे स्कूल में महीने में 2 या 3 बार आनी चाहिए। मेरा नाम महक है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा जो आप ये वैन बस लेके आए और इसमें हमें pH स्केल के बारे में बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। मेरा नाम प्रियमक्षा, 8वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में सर्कस ऑफ साइंस की एक वैन आई, उन्होंने हमें लेंस कैमरा बच्चों से बनवाया और उसके बारे में बताया वो कैसे प्रयोग होता है और कब कैसे बना था वो। उसके बाद उन्होंने हमें न्यूटन की गति के 3 नियम बताए और स्पेस में कैसे रहते हैं व्यक्ति उनके बारे में बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने बताया। सबसे ज़्यादा मुझे लेंस कैमरे के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि ये वैन फिर से आए, मतलब आती रहे, हमें अच्छा लगता है वो साइंस के बारे में और सब हमें बातें बताएं, थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम दीक्षा, मैं 8वीं छात्रा हूँ। तो आज हमारे स्कूल में एक साइंस वैन है जिससे हमें बहुत ज़्यादा साइंस की नॉलेज हुई। सबसे पहले हमें लेंस कैमरा और उसके बाद पैरिस्कोप के बारे में बताया गया। उसके बाद हमें द प्ले स्टेशन के बारे में एक वीडियो दिखाया जिससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। मैं चाहती हूँ कि ये वैन हमारे स्कूल में हर बार आए, महीने में 1-2 बार तो जरूर आए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। मैं साइंस वैन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे साइंस के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जनरल नॉलेज दिया, थैंक यू। माई नेम इज संकित। हमारे स्कूल में एक सर्कस
सर्कस की वैन आई जिन्होंने पेरिस्कोप के सब हमको पेरिस्कोप के बारे में बताया। हमको बहुत अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। ये मैं चाहता हूँ कि ये महीने में एक दो तीन बार जरूर आए जिससे बच्चों को सब पता लगे कि साइंस की टेक्नोलॉजी आगे तरक्की करती रहती है। और मैं चाहता हूँ कि ये वैन बार बार आए। मेरा नाम खुशी है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज यहाँ जो साइंस की वैन आई है इसके ये हमें बहुत अच्छे लगे। हमने यहाँ नवे नवे प्रैक्टिकल देखे हैं, न्यूटन का लॉ पढ़ा है और पीएस पेपर और अलग अलग जो भौतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञानों के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि ये महीने में आती रहे वैन के लिए। मेरा नाम आज है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और आज हमारे स्कूल में ये वैन आई थी, हमें बहुत अच्छी लगी। और आपने जो मैग्नीशियम और भी बहुत सारे टॉपिक पे बात की वो हमें बहुत अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि आप महीने में आते रहें। थैंक यू। मेरा नाम राधा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और आज हमारे स्कूल में जंतर मंत्र की वैन आई थी और हमें पीएच के बारे में बताया और मैग्नीशियम के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम आंचल है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में विज्ञान जंतर मंतर तंत्र की वैन आई थी और हमारे स्कूल में पहली बार ऐसी कोई वैन आई है जिन्होंने हमें प्रैक्टिकल के बारे में बहुत कुछ बताया और जो कि सारे हमारे पाठ्यक्रम से थे ही। और मैग्नीशियम की परत के बारे में, अमल शार्क लवन के बारे में बताया और मैथ के फॉर्मूले के वगैरह में बताया और गति के नियम के बारे में बताया और जो उनसे हमारी कोशिका की खोज किसने कब और की इसके बारे में बताया। धन्यवाद। मेरा नाम सना है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में जंतर मंत्र वैन आई थी, उन्होंने हमें प्याज की झिल्ली की स्लाइड दिखाई माइक्रोस्कोप में और हमें कोशिका के बारे में बहुत कुछ बताया, पीएच स्केल के बारे में बताया और मैथ के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज भी कराए। हम चाहते हैं कि बस महीने में एक बार हमारे स्कूल में जरूर आए।